करी गई पुलिस द्वारा, तो वो भी टेलीफोनिकली, और अभी तक उसके बाद क्या रिटर्न गया है पुलिस के पास, यूनिवर्सिटी के फॉर्मल कंप्लेंट गई, अभी तक नहीं। जब दूसरी चीज़, जब उसकी बॉडी वहाँ लटक रही थी, जब मैं पहुँचा तो काफ़ी लोग वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके थे, तो जिन्होंने देखा होगा कि उसके पैर टेबल से टच थे, टच ही नहीं थे, काफ़ी अच्छी तरह से टच थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वहाँ, मतलब वो वहाँ पे हुआ क्या, और जिन लोगों ने पहली बार देखा, जिन्होंने टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया, बाय द वे ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि 5-10 के बाद उन्होंने खूब सारे इंटरव्यूज़ दिए, किस कैपेसिटी में दिए, क्योंकि DSW नहीं होता, देखिए इसका ये तो रजिस्ट्रार होगा या जो GS कैश की चेयरपर्सन थी उन्हें देना चाहिए था इंटरव्यू, लेकिन उन्होंने दिए। वो आदमी की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया कि दैट ही वाज प्राइमा फेसी गिल्टी। ये इंटरव्यू YouTube में मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने किस कैपेसिटी में दिए। तीसरी चीज़, और अभी तक रिटर्न नहीं है, रिटर्न का टाइम नहीं था, इंटरव्यू का टाइम था। तीसरी चौथी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये भी बताया जाए कि क्या उसके बाद जो कमेटी के जो रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि इतना समय जब लग रहा है, अभी हम एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते भी अभी तक हमारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि वो फज किए जा सकते हैं। एक आदमी की डेथ हो चुकी है, क्या हमारी यूनिवर्सिटी में, आपको मालूम है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कभी कैमरे लगने की बात चल रही है, कभी क्या कहते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात चल रही है, क्या वहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के कैमरे कोई काम नहीं कर रहे थे? उसके कमरे कौन गया कौन नहीं गया, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ है? अच्छा, एक और बात, तहरीर में जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग है पुलिस की, उसमें लिखा गया है कि ये मामला ASI को दिया गया है। ASI रूटीन मैटर के लिए होता ही, आपको मालूम होगा, लेकिन एक ऑफिसर लेवल की डेथ हो चुकी है, ASI को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया, इसका ऑब्जेक्शन एटलीस्ट यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए था। और ये मैं आपको हैं, तो मैं ये इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग सबके सामने है, ये ऑफिशियल मतलब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। जब भी किसी पर एलिगेशन लगता है तो क्या इमीडिएट जो है इतनी जल्दी फैसला लिया जाता है किसी भी? वॉचअप हुआ है, 1 तारीख को कंप्लेंट होती है, 7 तारीख को आपने लेटर दे दिया है, वो वॉचअप तो है ही, तभी तो मैं डर रहा हूँ कि हो सकता है कि उसको अब, क्योंकि इतनी देर तक अगर हैंडओवर नहीं किया जा रहा है तो इसमें वॉचअप का तो पूरा मामला है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, वॉचअप का तो पूरा खेल है, क्योंकि 1 तारीख को आदमी बच्चे कंप्लेंट करते हैं सो कॉल्ड, और 7 तारीख को तो उसको सस्पेंशन और अटैचमेंट का लेटर मिल चुका है ना, तो ये तो वॉचअप है ही, क्योंकि एक आदमी को जब लेटर दिया जाता है तो एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। और एक और बात बताना चाहूँगा कि ये बताइए, जो हमारे, क्योंकि उसमें हम, मुझे ये देखना है जो उसमें जो लोग हैं GS कैश के, क्या उन सबके सिग्नेचर हैं कि नहीं, वो हमारे पास अभी तक रिकॉर्ड दिए नहीं जा रहे हैं, हो सकता है अब साइन करा लिए जाए, मैं नहीं जानता भाई, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया है।